हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीडी स्पेशल एजुकेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था पोस्ट कोड 15/17 का, उसके क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को लेकर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पूरा ज़रूर देखना है, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोट्स के लिए आप 7500230810 इस नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से केवल। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। सुनने में परेशानी वाले विद्यार्थियों के लिए निर्देशों की सर्वोत्तम विधि है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही। कोई अकेली सर्वोत्तम निर्देश विधि नहीं है, क्योंकि जो है दोस्तों अमेरिकी संकेत भाषा है, क्यूड विधि है, या जो भारतीय साइन लैंग्वेज है, इन सभी के द्वारा भी हम एचआई बच्चों को निर्देश दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। श्रव्यता क्षति वाले विद्यार्थियों के लिए सहायक तकनीक में शामिल है, तो अमेरिकी संकेत भाषा, ठीक है, एचआई बच्चों के लिए जो है सहायक तकनीक में क्या शामिल है। तो यहाँ पर दोस्तों अमेरिकी संकेत भाषा है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अमेरिकी संकेत भाषा ही हो, यहाँ पर भारतीय संकेत भाषा भी अगर होती तो वो भी इसका सटीक आंसर होता, क्योंकि जो बाकी के जो ऑप्शन हैं उसका एचआई बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके जो ऑप्शन होते हैं, तो क्वेश्चन अगर हम सही से समझ लें तो काफ़ी हद तक हम क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103 की। बहरे बच्चों के एक शिक्षक, तो वो थे आपके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। क्वेश्चन नंबर 104 में हम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में थोड़ी बात करेंगे। डेसिबल लिखने का सही तरीका है, तो छोटा डी होगा और बी जो है बड़ा होगा। ऐसा दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेसिबल की जो खोज थी वो की थी ग्राहम बेल ने। डेसिबल दोस्तों होता क्या है, डेसिबल होता है ध्वनि का मात्रक, यानी कि जो ध्वनि है वो हम डेसिबल में उसको मापते हैं, ठीक है। और जब ध्वनि की खोज या डेसिबल की खोज जो है ग्राहम बेल ने की थी, इसीलिए इनको सम्मान देने के लिए ग्राहम बेल का जो है बेल उसके रूप में इनको नाम को सम्मान देने के लिए बी को यहाँ पर बड़ा रखा जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों 105 नंबर क्वेश्चन की। स्पर्श विधि के लिए अत्यधिक उपयोगी है, तो स्पर्श विधि किसके लिए उपयोगी है दोस्तों, यहाँ पर बधिर अंधता वाले व्यक्तियों के लिए। देखिए, बौद्धिक विकलांगता यानी कि जो आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसके लिए स्पर्श विधि किसी काम की नहीं है। एएसडी यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और श्रव्यता क्षति वाले जो व्यक्ति हैं इनके लिए स्पर्श विधि का कोई भी उपयोग नहीं होता है। केवल जो बधिर अंधता वाले व्यक्ति होते हैं, बधिरांध व्यक्ति यानी कि एचआई प्लस वीआई, उनके लिए ही स्पर्श विधि काम करती है। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करेंगे। बधिर अंधता वाले व्यक्तियों को किस चीज़ में परेशानी होती है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही, पूर्वानुमान में। क्वेश्चन नंबर 107, रमसा का विस्तार है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। यहाँ पर दोस्तों मार्च 2009 में जो है रमसा को आरंभ किया गया था। ये इसलिए किया गया था कि माध्यमिक जो शिक्षा थी माध्यमिक स्तर की, उसको थोड़ा बढ़ावा दिया जा सके, उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके, इसलिए रमसा का आरंभ उस समय किया गया था मार्च 2009 में। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का एक तत्व नहीं है, ठीक है, एक तत्व नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है हमें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही, विशिष्ट कक्षा स्थापन, क्योंकि दोस्तों समावेशन ये कहता है कि एक ही छत के नीचे हर प्रकार के बच्चे को हमें शिक्षा प्रदान करनी है, और अगर हम विशिष्ट कक्षा का कहीं पर स्थापना कर लेते हैं तो ये समावेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। आदर्शवाद के प्रणेता हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही, आदर्शवाद के जनक जो है प्लेटो को माना जाता है। RPWD अधिनियम 2016 में कितनी दिव्यांगताएं हैं या विकलांगताएं हैं, तो ये हैं दोस्तों आपकी 21। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं। शिक्षा का एक औपचारिक अभिकरण है, तो विद्यालय जो है शिक्षा का दोस्तों औपचारिक अभिकरण है, और समाज, परिवार, समुदाय आदि जो है ये अनौपचारिक अभिकरण होते हैं। औपचारिक यानी कि डायरेक्ट, जहाँ पर हम जाकर सीख रहे हैं पूरे व्यवस्थित रूप में, और अनौपचारिक जहाँ पर कि कुछ चीज़ व्यवस्थित नहीं होती है, अचानक से या अनुभव के साथ साथ हम वहाँ पर सीख लेते हैं, तो वो होता है दोस्तों आपका अनौपचारिक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। बीएफ स्किनर ने खालिस्तान के साथ प्रयोग किए, यानी कि किसके साथ उन्होंने प्रयोग किए,
तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही, चूहे और कबूतर के साथ जो है बीएफ स्कैनर ने प्रयोग किए थे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक मात्रा में, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और नोट्स के लिए जो है आप संपर्क कर सकते हैं, 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, इसके बाद जो है नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं दूसरी वीडियो में।